श्रीलंका में बनी इस स्थिति के लिए आम श्रीलंकाई जनता राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रही है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा श्रीलंका के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पर फूट रहा है। श्रीलंका के पीएम ने तो इस्तीफा दे दिया और लोगों के हंगामे के बीच उन्हें आनन फानन में पीएम आवास से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सका। कैसे तेजी से बदल रहा है श्रीलंका में घटनाक्रम, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझ आएगा। जिन नेताओं की वजह से श्रीलंका के लोग कंगाल हुए, उन नेताओं के खिलाफ है ये गुस्सा। ऐसा गुस्सा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्रियों को भी नहीं बख्श रही है, सांसदों की जान ले रही है और प्रधानमंत्री के आवास को आग के हवाले कर रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा दिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक साथ पीएम आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद यहां मौजूद पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे को आनन फानन में निकालकर सेना ने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों के सामने राजपक्षे परिवार से जुड़ी जो चीजें आई उसे फूंक दिया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो लंका दहन हो रहा हो। इस बीच प्रदर्शनकारियों को भनक लगी कि पूर्व पीएम को सेना नेवल बेस पर लेकर गई है, जिसके बाद नेवल बेस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। हालांकि यहां किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैंको माली के नेवल बेस को घंटे तक घेरे रखा है, ये सोचकर कि अंदर पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजपक्षा और उनका परिवार मौजूद है। और इस बीच ये अफवाह भी उड़ी कि राजपक्षा कोलंबो से भागकर भारत में शरण लेने पहुंचे हैं। हालांकि इंडियन हाई कमीशन ने ऐसे अफवाहों का खंडन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का घर भी नहीं बख्शा। गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद उनके आवास पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो बात बढ़ गई और देखते ही देखते लंका आग की लपटों में जलने लगी। पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार और डंडे बरसाए, लेकिन वो नहीं रुके। आग बबूला लोग पुलिस से उलझ गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर जुटे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका। लोगों को जो दिखा उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। ये राजधानी कोलंबो की तस्वीरें हैं। यहाँ एक पूर्व मंत्री की कार को उठाकर प्रदर्शनकारियों ने झील में फेंक दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त पूर्व मंत्री अपनी कार में ही बैठे थे। श्रीलंका में जारी प्रदर्शन के बीच अब तक 12 पूर्व मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। श्रीलंका में अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। एक सत्ताधारी सांसद को भी गोली मारे जाने की खबर है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर को भी लोगों ने फूंक डाला और अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश में इमरजेंसी जैसे हालात के बीच सेना ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। 12 मई की सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। श्रीलंका के लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार को लेकर ही फूट रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका की यह दुर्दशा केवल और केवल राजपक्षे परिवार की वजह से हुई है। Bloomberg.com ने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी है और बताया है कि कैसे 30 महीने में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती की। उनका यह कदम सियासी नौटंकी कहा गया। खुद उनकी सरकार के वित्त मंत्री ने इसे खतरनाक बताया और सरकार की लापरवाही बोला, क्योंकि राजपक्षे सरकार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिसके बाद सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू कम हो गया। नौबत ये आ गई कि श्रीलंका ऐसा देश बन गया जहां सरकार को सबसे कम रेवेन्यू मिलता है, और ये तब है जब श्रीलंका वर्ल्ड बैंक और चीन जैसे देश को कर्जदार है। नौबत ये आ चुकी है कि वो कर्ज की किस्तें भी नहीं दे पा रहा।
विदेशी मुद्रा भंडार तो 70% तक गिर चुका है, मतलब ये कि श्रीलंका के पास दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए रकम ही नहीं है और इसलिए वो आयात नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से श्रीलंका में सामान के दाम आसमान छू रहे हैं।